हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सचिन चंदेल एंड यू आर वाचिंग ब्रूटल राइडर चैनल गाइस। एंड आज फिर से अपन अपनी एन एस स्टूडेंट पे आ चुके हैं। एंड ये चेक करो अपनी ब्रूटल और ये चेक करो BS7 NS200 गाइस। सो आज इन दोनों का ड्रैग करने वाले हैं, देखते हैं कौन ड्रैग में निकलती है। इसके चांसेस ज़्यादा ड्रैग में निकलने के लिए बिकॉज मेरी वाली मेडल है 150 अपोलो अल्फा H1। सो टायर से थोड़ा सा पावर कम हो जाता है एंड इसमें डला हुआ है स्टॉक टायर जो भी है। एंड और डिसएडवांटेज क्या रहेगी मेरे को, दूसरी डिसएडवांटेज की सर्विस ड्यू है, मैंने सर्विस नहीं करवाई है एक्चुअली, मतलब बहुत पहले करवाई थी। सो उसके बाद मैंने कभी करवाई नहीं, ज़रूरत मेरे को फील नहीं हुआ ऐसे पावर ड्रॉप, बट हाँ काफ़ी टाइम हो गया इसकी सर्विस को। सो एक डिसएडवांटेज ये है एंड एक डिसएडवांटेज टायर है बिकॉज ऑफ 150 ब्रो, 150 डला है इसमें। चेक करो साइज़, चेक करो एक इसका साइज़ चेक करो और इसका साइज़ चेक करो, तुम्हें एकदम से पता चल जाएगा कि हाँ साइज़ में कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। एंड बाकी राइडर का वेट चेक कर लो, ये देखो ये राइडर कितना वेट है, 45-44 वेट होगा और तुम्हारा भाई 65 पे है। सो मेरा ज़्यादा है इससे वेट, सो वो फ़र्क पड़ जाएगा, मेरा वेट थोड़ा सा डिसएडवांटेज बनेगा ड्रैग में। बट हाँ एक्सपीरियंस होल्डर हूँ थोड़ा सा, अच्छे से लॉन्च करूँगा तो शायद वो वेट मैं कर लूँ एडजस्ट। सो अभी ड्रैग करते हैं एंड दिखाते हैं आपको। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आपको सिर्फ नॉर्मल शॉट में ड्रैग दिखाएंगे कि हाँ हम ज़्यादा नहीं, तीन ड्रैग करेंगे, तीन अटेम्प्ट करेंगे एंड उसमें आपको पता चल जाएगा। रोड ये हम फुल सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, आप ये सब ट्राई मत करना बिल्कुल भी। रोड देख लो, ये वाला जो है वो मतलब कंटिन्यू है रोड, यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह जा रही और ये बिल्कुल खड़ा रोड है, यहाँ पे ट्रक्स वगैरह खड़े रहते हैं तो यहाँ पे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्टैंडिंग भी कर सकते हो एंड सब कुछ कर सकते हो फुल सेफ्टी के साथ। सो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है इस खाली रोड पे, तुम लेट जाओ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बंद है आगे से रोड, वहाँ से बंद है। सो और दूसरी तरफ से भी रोड बंद है, दोनों तरफ से बंद है तो हम यहाँ पे ड्रैग वगैरह कर सकते हैं। हम ड्रैग करेंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे टैंकर सा खड़ा है ना वो दूर दूर उधर उधर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड अभी तात करते हैं ब्लैलेट को, मज़ा आ जाएगा। तो जल्दी से कैमरा हेलमेट में माउंट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको ब्लैलेट। तो लेडी हो जाओ गाइड ब्लैलेट के लिए। तो गाइस मैं अपने जेट में बैठ चुका हूँ एंड फुल पावर रेडी हूँ मैं ड्राइव के लिए। एंड आर यू रेडी ब्रो? फुल पावर बेस्ट है ना, आपने फुल लॉन्च करना बढ़िया से, अच्छा लॉन्च करता है वैसे। इसके साथ मैंने पहले भी करी है एक दो बार आई थिंक सो ड्राइव, तो बराबर पे ले आते हैं थोड़ा। हाँ बढ़िया सही है, रेडी क्या हो गया? अरे बोला था ना आपकी मिस मार रही है ये। मिस कर रहा, एक और बार ले तो रेडी। यहाँ से करते ठीक है, वहीं तक हाँ। ये बच्चे थे ना तो मैंने नहीं लिया, फिर ड्रैग नहीं करा मैंने। रेडी रेडी ओके सेकंड टाइम। बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है इसकी बाइक यार। क्या क्या दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है? मिस मार रही है, मिस कर रही है कैसे? हाँ स्टार्ट हो रही है ना, गिर गया ब्रूटल राइडर, गाइस ब्रूटल राइडर गिर गया तुम्हारा, बच गया अभी गिरता मैं। क्या मिस क्या कर रही, क्या दिक्कत हो रही? जैसे चला रहा हूँ इसको ना मैं हाँ। पूरी थ्रोटल दे रहा हूँ, मतलब छोड़ रहा हूँ तो एकदम से मिस मार रही है, फिर जाके रेस पकड़ रही है। तो भाई वो क्या दिक्कत हो सकती है? तो मैंने पेट्रोल डलवाया ना, मैं जादू करता है, एक मिनट थोड़ा सा जादू करके देख लेते हैं, जादू वर्क करता है तो। इधर फूक मार तीन बार, नशा नशा हो गया पेट्रोल का। सो अब शायद इट वर्क्स,
जादू मेरा काम कर जाए। चलो अभी करते हैं। जाना उधर तक जाना शुरू करते हैं। जहाँ पे मैं स्लो डाउन नहीं हो गया था बस वहीं तक ड्रैग है। थर्ड ड्रैग अभी देखते कौन जीतता है। टॉप स्पीड यहाँ पे चेक नहीं हो सकती बिकॉज रोड कम है, मतलब ज़्यादा लंबा पैच नहीं है, तो ड्रैग कर सकता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर ही होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर में अभी तक तो ब्रूटल निकली है। और फिर से करते हैं रेडी। फिर से क्या हो कर आए गई, मेरे को समझ नहीं आ रही इसकी बाइक में कुछ तो दिक्कत है। चल करते फिर से, मेरी ड्रिफ्ट कर जाएगी, मेरी ड्रिफ्ट हो जाएगी बाइक। पहले भी ड्रिफ्ट हुई है वो, दस पहले भी ड्रिफ्ट हुई है मेरी बाइक यहाँ पे। चल अबे हो क्या रहा है, क्या हुआ क्या इसको, मेरे पास दे, मेरे पास दे यार। ब्रांड न्यू बाइक है, अभी कितनी सर्विस हुई है इसकी, सेकंड सर्विस हुई है ना अभी, तो फिर दिक्कत क्या दिक्कत हो रही। उसको 4 साल हो गए, उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ। चल चल आ जा, कमेंट में लिख दो नूब राइडर नूब राइडर नूब राइडर, लिखो मैं बोल रहा, लिखो नूब राइडर कमेंट में। तेरे को लॉन्च करने नहीं आ रही बाइक, देर से एनएस नहीं लॉन्च हुई, ये वाली नहीं लॉन्च हुई, ये नहीं लॉन्च हुई, गियर नहीं हटते। चल एक और बार चांस देता तुझे, ठीक है? हाँ आ जा, यहीं से घुमा ले, यहीं से घुमा ले। चल इसको वेट का फायदा मिल रहा है, एनएस को, मेरी वाली को, मैंने वेट जो रिड्यूस करा है ना उसको फायदा मिल रहा है। भाग तो ये भी अच्छा रही है, बहुत अच्छा भाग रही है, ये भी उठ जा रही है फ्रंट से, मतलब व्हीली आ जा रही है इसमें आराम से। मैं दिखाऊं क्या व्हीली, येलो डॉलर ना आ जाए। व्हीली वगैरह बहुत अवॉइड कर रहा हूँ मैं, सब चीज़ें अवॉइड कर रहा जो मतलब ख़तरनाक है, तो उसकी वजह से येलो डॉलर आ रहा, तो मैं चाहता येलो डॉलर आएगा ही, आई डोंट वॉन्ट येलो डॉलर, बिकॉज इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ फिर येलो डॉलर आ जाए कोई फायदा नहीं उसका। तो लास्ट ड्रैग ठीक है, रेडी। क्या कर रहा है ब्रो, क्या तू कर रहा है, फोन तू कर। अब हेड टू हेड था, मैं खुद बोल रहा हेड टू हेड था। रोलिंग करते रोलिंग। हाँ चलते चल आ जा। वन फुल थ्रॉटल दे दियो, ठीक है आगे ला थोड़ा। 1 2 3 दे। तो गाइस रिजल्ट आप सभी के सामने है, कैसी रही ड्रैग रेस आप कमेंट करके बता सकते हो, एंड
क्या सेक्सी लग रही है अपनी ब्रूटल। वाओ क्या सेक्सी बाइक लगती है यार ये, बहुत सेक्सी। मेरा तो मन करता है इसको देखता ही रहूँ, ऐसे देखता ही रहूँ। इतनी सुंदर है, मिस कर रही, मिस। आओ मेरी लात फंस गई, ओ शिट ग्रो, ओ माय गॉड, लात फंस गई, मेरी लात में लग गई, बहुत दल डोला। सो क्या ब्यूटीफुल लगते हैं। अब यहाँ पे सिनेमैटिक लेते हैं इनके थोड़े से, एंड आपको दिखाते हैं सिनेमैटिक्स जो भी बोलते हैं। सो सिनेमैटिक, हाँ टिक्स नहीं होते, वो सिनेमैटिक होता और ज़्यादा मतलब सिनेमैटिक्स, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो अभी सिनेमैटिक एंजॉय करो। सो मैं रिकॉर्ड करता हूँ बढ़िया से सिनेमैटिक और आपको दिखाना है और आपको लाइक करना है और कमेंट भी करना है। सो सिनेमैटिक देखो एंड वीडियो पे कमेंट करो, एंड पहले सिनेमैटिक देखो फिर बताओ। सो गाइस कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। एंड इसकी बाइक में ना कुछ तो दिक्कत है, आई थिंक फ्यूल इंजेक्टर में दिक्कत है या तो और कोई दिक्कत हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कुछ ना कुछ मेरे को लगा कि दिक्कत है, ये मिस कर रहा है बीच में इसका एनएस। सो बाकी अगर हम हाईवे पे जाएंगे कभी तो बन रहा है वैसे प्लान हाईवे पे जाने का, तो हाईवे पे चेक करेंगे इन दोनों की टॉप स्पीड। ये 155 तक जाती है और इसका मैंने अभी वीडियोस में देखा है 1 इतनी गई है, 155 मैंने देखी नहीं है। सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए प्रेस द बेल एलिमेंट एंड गुड बाय गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल ब्रो, ठीक है भाई, ओके बाय। अभी निकलता घर को, बाय गाइस, लव यू ऑल, टाटा।